एक और नई जगह पे आप बैकग्राउंड तो देख सकते हो मेरा, बहुत ही मस्त है, पूरा फॉगी है। बारिश ने कृपा आज भी की है हम पे कि बारिश इतने दिन हुई हो रही थी और आज इस वीकेंड में बारिश नहीं है। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड योर दोस्त तुम मित्र अजिंक्य। सो अनदर वीकेंड, अनदर प्लेस, न्यू लोकेशन। सो मैं जा रहा हूँ एक काफ़ी पास में, मतलब पास मतलब एक अराउंड एक घंटे का सफ़र है मेरे यहाँ से न्यू मुंबई से। सो आई एम एट अ प्लेस विच इज़ एट बदलापुर। मैं बदलापुर में आया हूँ। सो मैं जा रहा हूँ धनगर वाटरफॉल। यस, काफ़ी सुना है मैंने, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम गोइंग, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। काफ़ी ब्लॉग्स देखे हैं मैंने, तो मैंने सोचा चलो हम भी जाते हैं, देखते हैं कैसा है वाटरफॉल, क्या है। काफ़ी सुना है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीनिक है, रूट भी काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो इट वॉज गुड इनफ, थोड़ा हल्का हल्का बीच में रास्ता ख़राब था, अदरवाइज रेस्ट इन्जॉय। चलो रास्ते पे और इन्जॉय करते हैं रूट, और आपको डायरेक्टली मिलता हूँ मैं ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट पे। छोटा ट्रैक है मैंने सुना है। सो लेट्स गो, लेट्स इन्जॉय। तो ये बेसिकली आप ये लोकेशन पे पहुंचोगे। अब यहाँ से आपको राइट लेना है, ये सामने कुड़गांव पुलिस स्टेशन है या नाका है, और ये रूट से यू नीड टू टेक अ राइट। तो ये याद रखना आप लैंडमार्क, पीछे एक वड़ा पाव वाला है, डैट विल बी योर लैंडमार्क। सो ये कोंडेश्वर वाले रूट पे वड़ा पाव वाले के यहाँ से आगे आना है, और एक छोटा लेफ्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये लेफ्ट आपको लेना है वाटरफॉल के लिए, बिकॉज यहाँ पे सीधा जाएंगे यू विल रीच टू कोंडेश्वर टेम्पल। तो हमें धनकर जाना है, तो हम यहाँ से ये छोटा रूट लेंगे, और थोड़ा ही आगे तक बाइक लेके जा सकते हैं, उसके आगे बाइक नहीं अलाउड है। तो चलो फिर देखते हैं आगे, तो पहले कार भी गई है, तो अगर कार जा सकती है ऐसे वाले रास्ते पे, तो हमारी डुक डुक तो डेफिनेटली जा सकती है। तो वो लोकेशन से जहाँ मैं रुका था वहाँ से मैंने एक तुरंत लेफ्ट ले लिया, एक हार्डली बेर अराउंड में एक हाथ दो किलोमीटर आगे आया रहेगा, देर इज़ अ स्टीप लेफ्ट, आपको गाड़ियाँ दिख जाएगी, फोर व्हीलर्स वहाँ पे पार्किंग रहते हैं, और फिर वो लेफ्ट आप पे आपको लेना है, एंड ये पार्किंग स्पॉट पे पहुँच जाओगे। बाइक यहाँ पे पार्क करनी है, एंड देन वी कैन जस्ट वॉक। अभी ये रास्ता हमें लेना है, सो आई कैन सी मैनी पीपल। वहाँ पे आपको अगर दिख रहा रहेगा, मैं आपको जूम करता हूँ, सो ये लोग दिख रहे हैं। सो उसके आगे वाटरफॉल है, तो हम छोटा सा ट्रैक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा है क्या है। मौसम तो बहुत मस्त है, तो धूप नहीं है, हल्की सी बारिश, ड्रिजल, हल्का सा ड्रिजल हुआ है, बट होप, मुझे लगता है बहुत सही होने वाला है वाटरफॉल। लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, सो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, इट्स बेरली अराउंड एक दो चार फोर व्हीलर्स थे और दो चार टू व्हीलर्स है। अभी दो रूट्स हैं, क्योंकि मैंने एक गाँव वालों को पूछा था बीच रास्ते में, सो ही सेड कि एक जगह वहाँ से भी एक रूट है, वो पता नहीं मुझे कहाँ से, बट मैं जो रूट लिया यहाँ पे तो मुझे बहुत कम गाड़ियाँ मिली। ट्रैकिंग यहाँ पे डिसेंडिंग है, मतलब नीचे उतरना है हमें, यूजुअली हम लोग ऊपर जाते हैं वाटरफॉल्स के लिए, बट यहाँ पे हमें नीचे उतरना है, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो वेलकम टू द धनगर वाटरफॉल, देखते हैं
कैसा है वाटरफॉल, ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए अच्छा लगा। और सडन प्लान ये बोलते हैं ना, वो सडन प्लान ऑलवेज वर्क, तुरंत प्लान बन गया और मैं आ गया। तो अभी यहाँ पे दो रूट हैं, एक ये और एक ये। मैं अकेला बड़बड़ा रहा हूँ, बोला यहाँ पे ये एक रूट है और ये एक रूट है। तो हम देखते हैं, पूछते ही नहीं, ये प्रॉपर है। सो नीचे उतरते यू नीड टेक अ राइट, और राइट वाला रूट लेके हम जा रहे हैं। पानी का आवाज़ आ रहा है, लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा है, बट आई कैन हियर वाटर। तो लेट्स सी। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद वाटरफॉल देखने आ रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं ड्राइविंग रेंज के बाद कहीं गया नहीं। सो लेट्स सी, ब्यूटीफुल लोकेशन है, वाओ। ये देखो, तो शायद मैं वाटरफॉल के ऊपर हूँ, देखते हैं आगे जाके कैसा लगता है वो। यहाँ से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से चला जाता हूँ मैं वैसे। और मैं शायद मुझे ये पहली बार है जो वाटरफॉल के ऊपर के साइड में हूँ। लेट्स सी, वहाँ पे जाके देखते कैसा लगता है वो। सो ये है टॉप व्यू, चलो देखते हैं। अभी मुझे भी पता नहीं, क्योंकि लोग मुझे वहाँ पे उस बाजू लोग मुझे दिखे थे। सो देखते हैं, टॉप पार्ट ऑफ द वाटरफॉल। वहाँ से हमें लेफ्ट में ऐसे जाके नीचे उतरना है, अगर हमें नीचे का व्यू चाहिए वाटरफॉल का। कुछ लोग वहाँ से भी जा रहे हैं, पर हम यहाँ से जाएंगे। लिम्प्स वाटरफॉल का, तो हम एक्चुअली ऊपर टॉप पे थे वहाँ पे, और हम ये नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के देखने के लिए। तो देखते हैं, रास्ता तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, बट स्टिल लेट्स सी, इन्जॉय तो करना ही है। तो चलो निकलते हैं नीचे जाने के लिए। वाटरफॉल पे कुछ लोग मुझे मिले हैं, ये लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया, इनका देख कर तो लग रहा है बहुत इन्जॉय किया। कहाँ से आए तुम लोग? अरे वाह, कैसा है वाटरफॉल? मस्त है, बहुत मस्त है। तुम लोग ये वाले रास्ते से नीचे वाले रास्ते से आए ना? नहीं, तुम्हें पूरा फिरू ना अलग। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत सही है। कहाँ कहाँ से, क्या नाम, क्या श्रीनिवास? तुम्हारा? मोनालिसा। मनीष यादव। शुभम संतुष्टा। और तू? शुभम खड़के। बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत सही। इतना मस्त लग रहा ना ये वाटरफॉल, मतलब दो तीन दिन से काफी बारिश नहीं हुई है, स्टिल वाटरफ्लो बहुत मस्त है और जबरदस्त है, मतलब मजा आ रहा है ये देख के। नीचे तो और मज़ा आएगा, ऊपर का व्यू तो ऑसम था। ऊपर से एनीवेज अपने को ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पानी स्लो मोशन में रहता है, और यहाँ पे कैसा फुल फ्लो फ्लेज में रहता है। तो नीचे देखते हैं कैसा लगता है वो। नीचे उतरना तो काफ़ी है, अभी कुछ लोगों को हमने पूछा। सो थोड़ा सा फिसलन है, हल्की सी बारिश होके गई, अगर सूखा रहता तो भी दिक्कत हो गई रहती, पर ठीक है, हल्की सी हो गई तो थोड़ी सी मिट्टी जमी पड़ी है, सो एटलीस्ट हम चल पाएंगे इस पर। ओह, काफ़ी पास है। आई थॉट कि मुझे काफ़ी चलना पड़ेगा ऐसा 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 करके। ये क्या, तो यहाँ से हम उतर गए और वाटरफॉल के पास पहुँच गए। चलो
यूपी की परिसीमा। बहुत ज़्यादा हिंदी बोल दिया, पर लोग पीने भी आके बैठ जाते इधर। ये देखो पूरी गंदगी करके रखी है लोगों ने, बहुत ही गंदी चीज़ है ये। वी आर सो एजुकेटेड पीपल एंड वी डू दिस थिंग्स। अनपढ़ लोग करेंगे तो ठीक है चलो, बट अगर पढ़े लिखे भी करेंगे तो मतलब बहुत बुरी चीज़ है। चलो लेट्स सी द वाटर। डीप नहीं है, मतलब ठीक है लोग आराम से जाके बैठ सकते हैं, इतना ही पानी है, बट इट्स अ ब्यूटी वाटरफॉल। तो बहुत सही वाटरफॉल है ये। आवाज़ मेरी कम आ रही रहेगी बट इट्स ब्यूटी। और अपने कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे। कहाँ से हो भाई लोग? क्या नाम है? अंकित, दीपक, अरे चलो सही है, बहुत सही है, मज़ा आ गया सब्सक्राइबर से मिलते हुए। सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ेंगे। चलो सही है। चलो काफ़ी मस्त वाटरफॉल था, मज़ा आ गया। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैंने जो इनिशियल स्पॉट दिखाया था वाटरफॉल के ऊपर, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो बच्चों के साथ। इफ़ थोड़ा सा एडवेंचर करना है बट नॉट फीजिबल बच्चों के साथ में, क्योंकि रास्ता बहुत स्टीफ है नीचे उतरने के लिए। सो ऊपर इंजॉय कर सकते हो आप। अदरवाइज इफ़ यू आर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स यू कैन स्ट्रेट अवे गो डाउन। रास्ता आपको बताया। सो दैट्स अबाउट इट अबाउट धनगर वाटरफॉल। बहुत ब्यूटीफुल था। मैंने काफ़ी लेट किया आने के लिए, लेट किया मतलब प्रॉपर बारिश में आ रहे थे और पानी रहता, पर ये भी पानी का कम नहीं था, इट वॉज़ गुड इनफ। सो दैट्स अबाउट इट। Hope you like the vlog. अगर अच्छा लगे तो do subscribe to the channel. और आज काफ़ी सब्सक्राइबर मिले हमें, बहुत अच्छा लगा। So that's about it. See you in the next vlog. Till the meantime, tata, bye bye, take care.